हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ फार्मा शेयर के बारे में, सन फार्मा के बारे में। गाइस, स्टॉक में आज के सेशन में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, करीब करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही है हम सभी को। ऐसे में गाइस, स्टॉक में आपकी क्या होनी चाहिए आगे की रणनीति, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें चीज़ें बताना चाहूँगा। गाइस, हम सभी देख रहे हैं ये स्टॉक करीब करीब 820-840 का हुआ करता था, जहाँ से स्टॉक में एक शार्प और वन साइडेड करेक्शन आया है, जहाँ तक स्टॉक 745 जो आज का लो वहाँ पे आता हुआ दिखा। फिर से एक बाउंस बैक आ रहा है स्टॉक में, और ये जो रैली है ये शार्प मतलब स्क्रीन पर धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। स्टॉक डे हाई के आसपास है, कहीं ना कहीं 753 पे ओपन हुआ, 770 तक स्टॉक आज का हाई है और 765.67 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस टाइम। वॉल्यूम्स की बात करूँ तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा अभी तक ट्रेड हो चुके हैं, और अभी 1:40 का टाइम हो रहा है। 3.7 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं अभी तक, 3.5 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है स्टॉक का। एक साल के रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक ने आपको अराउंड 41% के रिटर्न दे दिए हैं। और गाइज, अगर इसके 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 852 है, लेकिन अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई देखोगे तो लाइफ टाइम हाई आपको उसका करीब करीब 1200 के पास दिखेगा। गाइज, ये 1200 का शेयर हुआ करता था 2015-16 के अराउंड, जहाँ से इसमें एक शार्प करेक्शन देखने को मिली है और अभी ये दोबारा से चलना शुरू हो रहा है। तो देखिए गाइज, इस पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी 780 और 800 के आसपास की बाइंग है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर आपका टाइम फ्रेम 3-6 महीने का हो सकता है तो मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन उसी के विपरीत अगर आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, देखिए किसी के पास होता है तो अगर नीचे आ जाता है तो उसे कहीं ना कहीं दो ही विचार आते हैं, या तो यार मैं एग्जिट कर दूँ गिरता है, या दूसरा यार मुझे एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक यहाँ पे। ये दो विचार आते हैं। तो क्या आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये सवाल है मेरा। और अगर किसी के पास नहीं है तो क्या ये फ्रेश एंट्री बनाने के लिए बेस्ट लेवल हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आगे आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, आज के सेशन में स्टॉक काफी बढ़िया रिएक्ट कर रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन जहां भी मैं देख रहा हूं, मुझे देखने को मिल रहा है स्टॉक एक ऊपर का मूव देता है, उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल देता है। अगर ये मूव ऊपर में 782 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तब मुझे लगता है इसमें एक फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। फ्रेश एंट्री यानी अगर कोई बाय करना चाहता है तो मुझे लगता है अभी उसे बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक जो कंटिन्यू गिर रहा है ना, वहाँ पे जिगजैग वे में गिर रहा है, डायरेक्ट फॉल नहीं है, जिगजैग वे में फॉल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रिवर्सल है, जो कि जिगजैग वे में। देखिए, सबसे पहले आप 11 अक्टूबर को स्टॉक का प्राइस था 840, उसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला 813 तक, उसके बाद ऊपर में गया स्टॉक 830 तक, उसके बाद फिर फॉल आया 795, फिर अप मूव आया 815, फिर फॉल आया इस बार 785 का हाई लगा, फिर ऊपर की तरफ स्टॉक गया 811, फिर जो फॉल आया वो बड़ा फॉल था, वो 770 तक आ गया स्टॉक, फिर एक अप मूव आया 785 का, फिर बड़ा फॉल आया और 745, अब भी ये रिवर्स दोबारा हुआ है 765। तो मैं वेट करना चाहूंगा इसे कि ये जो रिवर्सल है क्या ये सस्टेनेबल है या फिर केवल और केवल ये ट्रैप है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको इतने सारे डाटा बताया 3 महीने के चार्ट में, मतलब जिगजैग वे में ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब लोअर लो और हायर हाई बनाता हुआ स्टॉक जा रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है 785 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, एक जो हाई था रिसेंट का हाई वो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो मैं फ्रेश एंट्री ले सकता हूँ। और उस बीच में मेरा जो टारगेट होगा अराउंड 800-820 तक का हो सकता है। ये तो हो गई गाइस फ्रेश एंट्री के लिए बात। अभी बात करते हैं, अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो उसे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है उसे वेट करना चाहिए। सबसे पहला टारगेट आपका 780 का होना चाहिए, जो मुझे यही बाउंस बैक में लगता है। अब एक तरीके से आप कह सकते हैं, यार जब 780 तक जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बाय करना। तो अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो आप एक स्ट्रिक एसएल जरूर रखिए, जो कि आपका 760 का होना चाहिए। इनफैक्ट यस, 760 का होना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस में नहीं, बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से 760 जैसे ही टच करें आप एग्जिट कर दो, क्योंकि हो सकता है दोबारा से नया लो लगता हुआ दिखे। इसलिए अगर आप ट्रेडर हो तो 760 का आप जरूर एक एसएल रखें, और 770-75 के आपके दो टारगेट होने चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी पहुंचे ना, 780 उसका पहला टारगेट होगा, उसके बाद 785 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो आपका स्टॉक 810 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, लेनी है तो एक ट्रेडर के हिसाब से लें, बिल्कुल 760 का एक एसएल और ऊपर में 780 तक के टारगेट रख सकते हैं आप। स्टॉक में आज कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम के संग बाइंग आती हुई दिख रही है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो लग रहा है मुझे। और फार्मा स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं यहाँ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स हैं जो चलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से सन फार्मा कहीं ना कहीं आपको लीड करता हुआ दिख रहा है। और सन फार्मा जब चलता है तो बहुत तेज चलता है गाइस, ये हमेशा आप याद रखें, जब चलता है तो बहुत तेज चलता है, कब 100 रुपये बढ़ जाता है किसी को नहीं पता चलता। रिजल्ट्स की बात करो तो रिजल्ट्स स्टॉक के अच्छे खासे आए थे, उसी भी चलता हुआ भी दिखा था हमें। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पोजीशन है तो इसे होल्ड कर सकते हैं आप। मुझे लगता है
कि स्टॉक आपको 820 तक के लेवल्स नियर टर्म में दिखाएगा। साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं इस स्टॉक पे, उनका मानना है कि 870 और 900 तक के लेवल्स स्टॉक में आ सकते हैं आने वाले एक साल में। तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू, एनालिस्ट भी काफी पॉजिटिव है इस स्टॉक पे, बट ये लोअर लो लगाता हुआ दिख रहा है। लोअर लो का अगर आप SL देखोगे तो मैं 6 महीने का चार्ट खोल लिया है, मैंने 6 महीने के चार्ट में मुझे 765 के अराउंड पहले भी सपोर्ट था, यहीं से घुमा था स्टॉक, तो यहीं के लिए लेवल अभी भी देखने को मिल रहे हैं। अगर स्टॉक इसके नीचे निकलता है तो जो एक शार्प रैली आई थी 688 से 785 की, वो वन कैंडल एक कैंडल जो उसको कहीं ना कहीं कैंडल को फिल करता हुआ दिख सकता है ये स्टॉक, बट मुझे नहीं लगता इतना कुछ होने वाला है स्टॉक में, क्योंकि फार्मा इंडेक्स में हमने रिसेंटली देखा सिप्ला कैसे बढ़िया भागा, सारे फार्मा स्टॉक्स अच्छे चले थे, तो कहीं ना कहीं फार्मा इंडेक्स में पॉजिटिव रुझान बन रहा है, तो उसके चलते आप कहीं ना कहीं इसमें पोजीशन मेंटेन रख सकते हैं। और मैंने आपको SL सजेस्ट कर ही दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको टारगेट भी सजेस्ट करते हैं, तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, बट एक SL के साथ फ्रेश एंट्री करने के लिए मेरी यहाँ पे कोई भी राय नहीं होगी, फ्रेश एंट्री लेने के 785 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करें। तो ये मेरी वीडियो सन फार्मा शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।